हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मलिटी तक कंप्लीट किया था। आगे की कंसंट्रेशंस की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसंट्रेशन है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल कंसंट्रेशन है मोल फ्रैक्शन। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, टू टोटल मोल। टोटल मोल, ठीक है। ये सिर्फ एक रेशो है, जिस सब्सटेंस का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स्ड विद ईच अदर इनमें से कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने ए एंड बी को मिक्स करके उनका सॉल्यूशन बनाया। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो उसे हम डिनोट करेंगे एक्स ए से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है एक्स से। तो एक्स ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन क्या है, हमें ए का अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल क्या हो जाएंगे? एन ए प्लस एन बी, ए एंड बी दोनों के मोल, ठीक है। इसी तरीके से एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा हमारे पास एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है। यहाँ पर एन ए क्या है? एन ए है मोल ऑफ ए, एन बी है मोल ऑफ बी, एंड एन ए प्लस एन बी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलके बना रहे हैं टोटल मोल। टोटल मोल, ठीक है। अब किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर हम देखें, तो देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है वन में से। बेस क्या माना जाता है? वन। जैसे अगर बोला जाए 50%, तो 50% को अगर फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग हाफ, ठीक है। तो ये वन बेस में से होता है। तो अगर हम बात करें कि सभी मोल फ्रैक्शन को ऐड किया जाए, तो सभी मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पर टोटल कितना आना चाहिए? वन आना चाहिए। जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी, सॉल्यूशन में अगर ए और बी है तो इनको अगर टोटल किया जाएगा तो वन ही आएगा। बेशक हम इसे करके देख सकते हैं। जैसे एक्स ए क्या है हमारे पास? एक्स ए का मतलब है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या बनेगा? ये बनेगा एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्व टू वन। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, 10 सॉल्यूट 10 12 सॉल्यूट, कितने भी सॉल्यूट सॉल्वेंट हो, सभी का अगर मोल फ्रैक्शन को ऐड किया जाए तो सभी का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आएगा? वो वन ही आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास सिंपल सा डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन का। इसके बाद हमारे पास दो डेफिनेशन और बची हुई है छोटी छोटी सी, उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है यहां पर। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकलता है 100 में से, फ्रैक्शन निकालते हैं तो फ्रैक्शन निकलता है 1 में से। तो यहां बेस क्या होगा? यहां बेस होगा हमारे पास मिलियन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? फॉर्मूले से देखते हैं डायरेक्ट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब अमाउंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर ग्राम भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है, वेट और मास कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय मिलियन। मिलियन कितना होता है हमारे पास? 10^6। ये हमारे पास ppm हो जाएगा। मतलब जैसे अगर हम बोल देते हैं कि ppm किसी भी चीज़ का ppm है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10^6 सॉल्यूशन पार्टिकल में से, ठीक है, टोटल हमारे पास 2 सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे। ये ppm का मतलब होगा। जनरली जो ppm किस लिए निकाला जाता है? ये निकाला जाता है सबसे ज़्यादा जो काम आता है सिर्फ पॉल्यूशन मेजर करने के काम आता है। पॉल्यूशन कहाँ पर? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा ppm में निकालते हैं, ठीक है। या फिर वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, जैसे जिंक कितना है, मैग्नीशियम कितना है, वो हमेशा किस में निकाला जाता है? वो हमेशा ppm में निकाला जाता है,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको बेस बड़ा लिया जाता है ताकि यहाँ पर हमारे पास डिजिट बड़ा आए, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है पीपीएम का हमारा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फॉर्मेलिटी की, फॉर्मेलिटी। अगर हमने मोलरिटी और नॉर्मेलिटी सीखा हुआ है तो फॉर्मेलिटी सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी में भी था, नॉर्मेलिटी में भी था और फॉर्मेलिटी में भी है। डिफरेंस क्या है, मोलरिटी में ओनली मोल आता है, नॉर्मेलिटी में इक्वलेंट मोल आता है और फॉर्मेलिटी में फॉर्मल मोल आता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ फॉर्मल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर एमएल में सॉल्यूशन लिया गया है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ये सॉल्यूशन किस में लिया गया है, एमएल में लिया गया है, ठीक है। फॉर्मल मोल को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मल मोल को लिखने का तरीका है हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मल मास, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मल मास। ये मिलके क्या बना रहा है, ये मिलके बना रहा है फॉर्मल मोल, बाकी की चीजें ऐसी की ऐसी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मल मास क्या होता है, फॉर्मल मास के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो फॉर्मल मास, फॉर्मल मास का मतलब है मोलर मास डिवाइडेड बाय, हमें डिवाइड करना है उस फैक्टर से जिस फैक्टर से इसे इम्पीरिकल फॉर्मूला में डिवाइड किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एन फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लिया हमने C6H6 बेंजीन का, ठीक है। C6H6 क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इसका इम्पीरिकल फॉर्मूला देखें तो इसका सिंपल रेशो 6 से कट करने पर क्या आ जाता है, CH आ जाता है, ये इसका बिल्कुल सिंपल रेशो है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इम्पीरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमने किससे डिवाइड किया, 6 से। तो यही हमारे पास एन फैक्टर है। तो अगर फॉर्मल मास की बात की जाए तो फॉर्मल मास क्या होगा, फॉर्मल मास इक्वल टू मोलर मास कितना है C6H6 का, 78 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। 13 क्या हुआ, फॉर्मल मास हुआ बेंजीन का, ठीक है। तो फॉर्मल मास का मतलब क्या होता है, जो भी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के बाद जिस भी डिजिट से हम कट कर रहे हैं उसी डिजिट से हम मोलर मास को डिवाइड कर देंगे, या फिर हम बोल देंगे इसे फॉर्मल मास को हम एज ए इम्पीरिकल मास भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्पीरिकल मास, दोनों लगभग एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब हम इन कंसेंट्रेशंस के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू वन फोर पॉइंट टू ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, कैलकुलेट इट्स मोल फ्रैक्शन। हमें यहाँ पर शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो पहले तुम लोगों को एक क्वेश्चन पॉज करके उसे ट्राई करके देखना है, उसी के बाद सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन बोला गया है, सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 214.2 ग्राम है। यहाँ पर लिखा नहीं गया कि सॉल्वेंट कौन सा है। जब भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आए कि सॉल्वेंट नहीं लिखा हो तो हम सॉल्वेंट ऑटोमेटिक एक्वा सॉल्यूशन ही मानते हैं, मतलब हम सॉल्वेंट क्या मानेंगे, पानी मानेंगे उसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है।
तो सॉल्यूशन है टोटल 214.2 ग्राम, सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है इसके अंदर, शुगर, वो है 34.2 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है वाटर, वो हो जाएगा हमारे पास, माइनस कर देंगे इसे, 180 ग्राम। ठीक है, मोल ऑफ शुगर जिसे हम एन एस से डिनोट कर रहे हैं, एन एस मोल ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, 34.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है शुगर का, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 342, तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोल ऑफ वाटर सॉल्वेंट का, इसे हम डिनोट कर रहे हैं एन डब्ल्यू से, ये कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 18, 10। ठीक है, तो शुगर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक्स एस इज इक्व टू एन एस डिवाइडेड बाय एन एस प्लस एन डब्ल्यू, शुगर के मोल 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 10 प्लस 0.1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1, इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, अगर हमसे पानी के भी मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो वो भी निकाल लेते हैं, एक्स डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 10 अपॉन टोटल मोल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 0.1, किसके इक्वल होगा ये, 10 अपॉन 10.1 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ईजी है, देख लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है मोलेलिटी, मोलेलिटी है 1 मोलल, और हमसे क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर देखो स्टार्टिंग से मैं बोलता आ रहा हूँ कि अगर हमें बेसिक क्लियर है, हमें डेफिनेशन क्लियर है, हमें फॉर्मूले नहीं रटने हैं, अगर हमें डेफिनेशन क्लियर है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और हमें फॉर्मूले रटे हुए हैं और डेफिनेशन पता नहीं है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो सकता, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करने की कोशिश करें, क्योंकि मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन में कन्वर्जन का अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं आया है। ठीक है, अब देखो 1 मोलल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पर चलते हैं। 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, एक्वस बोला गया है, तो 1 kg ऑफ H2O, इसका मतलब हमें क्या मिल चुका है यहाँ से, सॉल्वेंट का मास मिल चुका है, सॉल्वेंट है हमारे पास, सॉल्वेंट H2O है हमारे पास 1000 ग्राम, और अगर इस 1000 ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 55.55, तो हमें सॉल्वेंट के मोल मिल चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूट के मोल, अब सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है सॉल्यूट क्या है, तो इसे एनएस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूट के मोल ये तो डेफिनेशन में दिया ही हुआ है ना, 1 मोलल मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल मिले 1 मोल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, 1 डिवाइडेड बाय 55.55 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.55, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन की बात करें, H2O का मोल फ्रैक्शन, तो ये कितना है, H2O के मोल है हमारे पास 55.55 डिवाइडेड बाय टोटल 56.55, ये सॉल्वेंट का मोल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिर्फ डेफिनेशन से ही सॉल्व हो रहा है, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 720 ग्राम ऑफ H2O, सिर्फ इतना दिया है हमें,
कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया, हमें दिया है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 720 ग्राम ऑफ H2O। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो मोलरिटी का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए। तो जो मोलरिटी का फॉर्मूला है वो है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आता है। तो हमें चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों चाहिए हमें। हमें दिया क्या है, हमें दिया है वेट दिया है H2O का। H2O के अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है, तो इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि सॉल्यूट भी H2O है और सॉल्वेंट भी H2O है, मतलब पानी के अंदर पानी मिला हुआ है, हम ऐसा मान सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखो ये तो हमें पता है कि जो H2O की डेंसिटी होती है वो डेंसिटी कितनी है, वो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब 720 ग्राम किसके इक्वल होगा, 720 ml के इक्वल होगा, ठीक है। 720 ग्राम किसके इक्वल होगा, 720 ml के इक्वल होगा। डेंसिटी पानी की कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। बस अब इसी से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है, 18 पानी का, ये मोल हुआ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, ये वॉल्यूम है 720, तो 720 हमारे पास वॉल्यूम हुआ मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 720 से 720 कट हुआ, बचा क्या हमारे पास, 1000 अपॉन 18, मतलब 55.55 मोलल। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बोर्ड में भी पढ़ा होगा, ये तुम्हें डायरेक्ट याद होगा कि पानी की मोलरिटी कितनी होती है, पानी की मोलरिटी होती है 55.55, ये मोलरिटी होती है। आती किस तरीके से है, इस तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया 720 ग्राम H2O। अब 720 का लास्ट में हुआ क्या, जो भी हमें दिया था वो वॉल्यूम से ही अपने आप कट हो गया, बचा क्या लास्ट में, ओनली 1000 अपॉन 18 बचा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चाहे 720 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी हो, लास्ट में आके तो ये कट ही जाना है। तो पानी की मोलरिटी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कितना भी ग्राम दिया हुआ हो यहाँ पर, हमेशा पानी की मोलरिटी का आंसर क्या आएगा, वो यही आंसर आएगा, 55.55 ही हमेशा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, 0.2 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। देखो किस तरीके से करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.2 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद बात करें मोलर मास, सॉरी इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, लास्ट क्लास में बताया था। जैसे मोलर मास कितना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, 74 इसका मोलर मास, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ से टोटल कितने ओएच निकल सकते हैं, टोटल 2 OH निकल सकते हैं, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 37, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है हमको, 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। आगे 0.2 डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास कितना है, 37 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमें गिवन है 250 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। इसे कट करेंगे, 4 टाइम्स कट होगा, और जब इसे कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा तो कंप्लीट सॉल्व करने का आंसर आएगा हमारे पास 0.0216 नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
ये हमारे पास दो सॉल्यूशन के मिक्सिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ वन मोलर 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन डिजोल्व डिजोल्व इन 0.5 मोलर 3 लीटर NaOH सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है ये NaOH का 1 मोलर 0.25 लीटर, दूसरा सॉल्यूशन है 0.5 मोलर 3 लीटर। ये दो टाइप के सॉल्यूशन दिए गए हैं। जब इनको मिक्स किया जाएगा तो मिक्स करने पर इनकी मोलरिटी क्या होगी, तो देखो ऐसा कंसेप्ट मैं पहले समझा चुका हूँ। मान लो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaOH का, इसमें हमें M1 कितना गिवन है, पहला है तो 1 मोलर, V1 कितना गिवन है 2.5 लीटर, ठीक है। इसे हमने मिक्स किया दूसरे सॉल्यूशन के साथ में, ये दूसरा सॉल्यूशन, इसके साथ में इसे मिक्स करते हैं, ये भी NaOH का। यहाँ पर M2 कितना है 0.5 मोलर और V2 कितना है 3 लीटर, ठीक है। जब इसे मिक्स करके हमने जो तीसरा सॉल्यूशन बनाया है, ये भी NaOH का सॉल्यूशन है क्योंकि सॉल्यूट तो दोनों में सेम ही था। ये जो NaOH का सॉल्यूशन है इसमें हमें M3 फाइंड करना है कि इसकी मोलरिटी कितनी होगी, और V3 हमें पता है कि V3 तो V1 प्लस V2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 5.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या कैलकुलेशन करते हैं, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V3। M1V1 कितना देखो यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस M2V2 कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय V3 कितना है 5.5। कैलकुलेट करेंगे तो उसे कैलकुलेट करने पर आएगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 5.5 डिवाइड करने पर आएगा ये 0.727, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 0.73 मोलर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो तीसरा सॉल्यूशन है मिक्स करने के बाद इसकी मोलरिटी कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 0.73 मोलरिटी आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखो ये जो क्वेश्चंस थे ये थे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे, ठीक है, इनमें कोई अलग से कंसेप्ट नहीं लग रहा था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे JEE और नीट में आए हुए क्वेश्चन और लेवल 2 के क्वेश्चन, इनसे थोड़ा सा लेवल हमारा अपर क्लास में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लेना अच्छी तरीके से, फॉर्मूला और इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।